Anyway, welcome back to education like this is Prem pandey today we are going to finish chapter number 14 chemical effects of electric current from class 8 ncert science let me tell you we have already uploaded chapter number 1 to chapter number 13 on our channel and if you have not watched those videos please check description box of this video you will find chapter wise link of chapter number 1 chapter number 2 chapter number 3 to chapter number 13 got it now uh, let me tell you that we have already uploaded first part and second part from this particular chapter, chapter number fourteen. Please watch first part, then second part, and then come to third part. Unless you will not understand anything, what I am going to teach in this particular video. But if you are a new visitor, please hit that subscribe button and also do not forget to press.

ने क्या किया ही कट पोटैटो इंटू टू हाफ आलू लिया और आलू को दो टुकड़ों में काट दिया बिल्कुल ऐसे और उसके बाद उसने क्या किया एक टेस्टर लिया ये टेस्टर हमने बनाया था ना इस टेस्टर का जो एक वायर था उसको यहां पर डाल दिया और दूसरे वायर को यहां पर डाल दिया उसके बाद क्या हुआ जस्ट देन मदर कॉल डेम और तभी बूझो की माँ उसे बुला लेती है और बूझो इस पोटैटो में से टेस्टर के वायर्स को निकालना भूल जाता है वेन ही केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर जब बूझो आधे घंटे बाद वापस आता है ना तो नोटिस द्रीन इज ब्लू स्पॉट बूझो ने देखा कि एक वायर के नीचे ब्लू और ग्रीन कलर का धब्बा पड़ गया था और वहीं पर जो दूसरा वायर था उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था ऐसा क्यों हुआ वॉज सरप्राइज विध दिसन एन अलॉन्ग विद पहली रिपीटेड जब बोझो ने देखा कि एक वायर के नीचे धब्बा आ जा रहा है, है वहां पर कुछ भी नहीं आ रहा यह देखकर बोझो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया बोझो ने यह पर्टिकुलर एक्टिविटी पहली के साथ मिलकर तीन चार बार और किया फाइन दैट इट वॉज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल और तीन चार बार एक्टिविटी करने के बाद बूझो के हाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगी क्या लगी इन लोगों ने पता किया कि जिस वायर के नीचे ये ब्लू और ग्रीन कलर का धब्बा आ रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल का वायर है हम जानते हैं बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल देखा बूझो और पहले ने कि जिस वायर के नीचे ये ब्लू और ग्रीन कलर का धब्बा आ जा रहा है वो वायर पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का ठीक है दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग टू अ चिल्ड्रंस मैगजीन अब ये बूझो के लिए काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि देखो कोई भी बैटरी होती है बैटरी बड़ी होती है और वो एक डब्बे में बंद होती है ठीक है हम जानते हैं ना बड़ी बड़ी डब्बे आते हैं हमारी कार्स में कोई भी छोटी भी बैटरी हो या बड़ी ही बैटरी हो वो एक डब्बे में पैक होती है ठीक है और उसमें पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है कौन सा निगेटिव टर्मिनल है तो बूझो ने सोचा कि ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर हमें पता करना हुआ कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है कौन सा निगेटिव टर्मिनल है तो हम आसानी से इस एक्टिविटी से पता कर सकते हैं और इसी के लिए बुजो ने डिसाइड किया में देगा ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके रिमेंबर दैट बूझो सेट आउट टू टेस्ट वेद आर पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट एक बात याद रखो कि स्टार्टिंग में हमने बूझो ने क्या सोचकर इस एक्टिविटी को स्टार्ट किया था बोझो ये सोचा था कि चलो हम पता करेंगे कि कौन से फ्रूट और कौन से वेजिटेबल से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और कौन से फ्रूट और वेजिटेबल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती लेकिन ये पता चला कि नहीं चला लेकिन बूझो के हाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लग गई कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है अगर किसी फ्रूट या वेजिटेबल से पास कराया जाए तो वो एक केमिकल एफेक्ट छोड़ता है जैसे देखो इस एक्टिविटी में यहां से इलेक्ट्रिक करंट इस बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट पास होते हुए आई तो यहां पर कुछ तो इफेक्ट हुआ होगा ना कुछ तो केमिकल रिएक्शन का प्रभाव पड़ा होगा तभी ये ब्लू और ग्रीन कलर का यहां पर धब्बा पड़ गया ठीक है तो बूझो चेक कर रहा था कुछ और बूझो ने पाया कुछ और दिस इज हाउ साइंस समटाइम्स वर्क और यही तो सही बात है यही इसी तरीके से साइंस हमारी काम करती है यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स तुम किसी और चीज के बारे में देख रहे हो तुम किसी और चीज के बारे में टेस्ट करना चाह रहे हो तुम्हें कुछ और चीज मिल जा रही है यही तो है हमारा साइंस मेनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस है इसी तरीके से हमारे साइंटिस्ट ने कई इंपॉर्टेंट कई महत्वपूर्ण इन्वेंशन कर डाली है वो ढूंढ रहे थे कुछ और उन्हें मिल गया कुछ और लेकिन जो कुछ भी मिला

इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देते हैं अगर इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डिफिनेशन अगर हम कहें कि प्लेटिंग ऑफ वन मेटल ऑन अनदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर और सिंपल भाषा में कहें तो आप जानते हो कि हमारे घरों में एक असली सोना होता है और एक नकली सोना होता है नकली सोना क्या होता है नकली सोना वो होता है जिस पर केवल गोल्ड की प्लेटिंग की गई हो नीचे कोई और मेटल है जैसे लोहा है सिल्वर है और उस मेटल के ऊपर अगर हमने सोने का पानी चढ़ा दिया है जिससे हमें सामने से तो लग रहा है कि वो गोल्ड है लेकिन अंदर से कोई और चीज है इस चीज को हम किस तरीके से बनाते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग की मदद से बनाते हैं सिंपल भाषा में अगर कहें किसी एक मेटल पर किसी दूसरे मेटल की प्लेटिंग कर देना या कोटिंग कर देना उसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देते हैं चलो तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाई है साइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स तुम ये जानते हो कि अगर हमने नई नई साइकिल खरीदी है तो जो साइकिल का हैंडल होता है और जो पहियों में रिम लगा होता है वो बहुत ही चमकदार होते हैं लेकिन इफ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड, अगर यही हैंडल और यही जो रिम है अगर किसी तरीके से स्क्रैच लग जाता है उस पे, तो जो ऊपर का चमकदार कोटिंग किया गया है ना वो बाहर आ जाता है कम्स ऑफ रिवीलिंग अ नॉट सो साइनी सरफेस और उसके नीचे जो भी मेटल होता है वो उतना ज्यादा चमकदार नहीं होता इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि नीचे कोई और मेटल है और उसके ऊपर किसी चमकदार या किसी शाइनी मेटल का कोटिंग कर दिया गया है ताकि हमारी साइकिल खूबसूरत लगे तो समझ गए साइकिल के पहियों में और हैंडल बार में क्या किया गया है इलेक्ट्रो प्लेटिंग की गई है आगे भी देखते हैं यू माइट हैव ऑल्सो सीन विमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स तुमने अपने घर में मम्मी को देखा होगा कि तुम्हारी मम्मी आभूषण, ऑर्नामेंट गहने यूज करती हैं विच अपियर टू बी मेड ऑफ गोल्ड आपकी मम्मी से पूछना कि कौन सा मम्मी असली सोना है कौन सा नकली सोना है क्योंकि आप तो बता ही नहीं पाओगे क्यों नहीं बता पाओगे क्योंकि देखने में आपको बिल्कुल सोना जैसा ही लगेगा लेकिन वो केवल सोने की प्लेटिंग की गई होगी हाउ एवर विथ रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग वियर्स ऑफ जो नकली सोना होता है अगर हम नकली सोने को बार बार यूज करें ना तो जो उस पर गोल्ड की प्लेटिंग लगी होती है वो घिस जाती है रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बीनीत और उसके नीचे जो भी मेटल होता है चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो कोई और मेटल हो वो नीचे से दिखने लगता है इन बोथ दिस केसेस अ मेटल हैज अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल चाहे ये वाला केस हो साइकिल वाला या जो नकली और असली सोना वाला केस हो इन दोनों केसेस में हमने क्या देखा हमने देखा कि एक मेटल है और उस मेटल के ऊपर कोई दूसरा मेटल की कोटिंग कर दी गई है और इसी चीज को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देते हैं डू यू यार ऐसा कैसे कर दिया जाता है कैसे कैसे सोने का प्लेटिंग कैसे कर दिया जाता है अगर कोई चीज गोल्ड नहीं है और अगर हम उसे सामने से गोल्ड बनाना चाहें तो हम इंसान ऐसा कैसे कर लेते हैं कैसे एक मेटल पर दूसरे मेटल की प्लेटिंग कर दी जाती है इसी के बारे में हम आगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे बट बिफोर दैट आपको करनी है एक एक्टिविटी इस एक्टिविटी में हम खुद ही एक मेटल पर किसी दूसरे मेटल की प्लेटिंग करेंगे चलो स्टार्ट करते हैं इस एक्टिविटी को वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड टू कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या-क्या चाहिए आपको कॉपर सल्फेट चाहिए कॉपर सल्फेट आपको कहां पर मिलेगा कॉपर सल्फेट कुछ ब्लू कलर का पाउडर जैसा होता है ये आपको किसी भी केमिस्ट के शॉप पर मिल जाएगा ठीक है और इसके साथ साथ आपको दो कॉपर के प्लेट्स चाहिए कौन सा प्लेट भाई खाने वाला प्लेट नहीं चाहिए आपको ये ऐसी प्लेट चाहिए पट्टी पतली पट्टी आती है ये आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगा कहना कि अंकल अंकल मुझे कॉपर के प्लेट चाहिए अंकल आपको कॉपर के प्लेट ला दे देंगे याद रहे कि कॉपर का प्लेट 10 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए समझ गए उसके बाद आपको ml, 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर आपको डिस्टिल्ड वाटर लेना है डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट का सॉल्यूशन बिल्कुल भी ना हो डिस्टिल्ड वाटर आपको कहां पर मिलेगा आपके साइंस लैब में मिल जाएगा या अगल-बगल आपकी कोई मेडिकल स्टोर है तो वहां से भी आप डिस्टिल्ड वाटर प्राप्त कर सकते हो आपको इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको कॉपर सल्फेट की जरूरत पड़ेगी कॉपर प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी और कम से कम 250 मिलीलीटर आपको डिस्टिल वाटर की जरूरत पड़ेगी अब क्या करना है आपको? एक एक साफ और एक, एकदम साफ और सूखे बर्तन में आप डिस्टिल्ड वाटर ले लो और इस डिस्टिल्ड वॉटर में कम से कम दो चम्मच कॉपर सल्फेट को मिला दो मिक्स कर दो ठीक है उसको घोल लो एक बार डिजोल्व कर लो उसके बाद जो आपका ये सोल्यूशन बना है हमने डिस्टिल्ड वाटर में कुछ कॉपर सल्फेट डाला और उसके बाद जो ये सल्यूशन बना है ये जो घोल बन गया है ना इसमें आपको डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है भाई सल्फ्यूरिक एसिड दो तरीके के होते हैं चाहे कोई भी एसिड हो वो दो तरीके के होते हैं एक डाइल्यूट होता है और एक कंसनट्रेटेड होता है डायल्यूट का मतलब हल्का कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा बस इतना ही फर्क है ठीक है तो जो अभी हमने सॉल्यूशन बनाया है हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया डिस्टिल्ड वाटर में हमने दो चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाया अब इसमें हम कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाएंगे ताकि ये जो पूरा सॉल्यूशन है इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आ पाए ताकि ये जो पूरा सॉल्यूशन है ये और ज्यादा कंडक्टिंग बन जाए समझ गए उसके बाद आपको क्या करना है क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर अब हमें कुछ भी नहीं करना सोल्यूशन के साथ सोल्यूशन हमने बनाया हमने क्या किया हमने ढाई सौ मिलीलीटर पानी लिया पानी में हमने कॉपर सल्फेट डाला कॉपर सल्फेट डालने के बाद हमने कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की भी उसमें मिला दी ताकि उस लिक्विड में अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सके ठीक है अब उसके बाद जो हमने कॉपर के प्लेट्स लिए थे कॉपर के प्लेट्स को हमें साफ करना है बालू कागज से उसके बाद नाउ रिंस देम विथ वॉटर एंड ड्राई देम और उसके बाद इस कॉपर की प्लेट को पानी से धो दो, दो और फिर सुखा दो कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी एंड इमर्स देम इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपको करना क्या है ये फिगर देख रहे हो इस फिगर में जैसे किया गया है बिल्कुल ऐसे आपको इन दोनों प्लेट्स को इस टेस्टर एक टेस्टर लो एक ऐसे बैटरी ले लो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक तार यहां से लेके आओ और एक तार यहां से लेके आओ और दोनों वायर्स को प्लेट्स से कनेक्ट कर दो और उसके बाद इन प्लेट्स को जो हमने सल्यूशन बनाया था ना ये सल्यूशन कॉपर सल्फेट सल्यूशन इसमें डुबो दो उसके बाद आप क्या देखोगे अलाउ द करेंट टू पास फॉर अबाउट फिफ्टीन मिनट आपको करना क्या है ये जो सोलूशन हमने बनाया है कॉपर सल्फेट सल्यूशन इस सोलूशन से आपको कम से कम पंद्रह मिनट तक इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है कैसे करवाओगे एक बैटरी ले लो बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर को जोड़ दो और निगेटिव टर्मिनल को एक वायर से जोड़ दो फिर इन वायर्स को दो कॉपर प्लेट्स के साथ कनेक्ट कर दो जैसे एक कॉपर प्लेट

उसके बाद हमें क्या करना है रिमूव द इलेक्ट्रॉड्स फ्रॉम द सोल्यूशन इन कॉपर प्लेट्स को इस सोल्यूशन से बाहर निकाल दो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम ध्यान से देखो इसको भी और इस वाले को भी क्या इसमें तुम्हें कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव वाला जो कॉपर प्लेट है वो अलग है और निगेटिव वाला वो अलग लग रहा है चलो मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बताता हूं जो इस एक्टिविटी में हो रहा है इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है जैसे ही इस कॉपर सल्फेट सोलूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से आ रही है और जैसे ही सोलूशन तक तो पहुंच रही है ये सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का कॉपर अलग हो जा रहा है सल्फेट अलग हो जा रहा है डिसोसिएट हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये डिसोसिएट हो जाएगा कॉपर अलग सल्फेट अलग अब कॉपर हम जानते हैं कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचेगा इसके पास प्लस की साइन होगी क्योंकि ये अभी अभी सल्फेट से अलग हुआ है अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज वाले कॉपर प्लेट को ढूंढेगा जैसे देखो अगर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल ये है तो ये वाला जो वायर आएगा ये एक कॉपर प्लेट से कनेक्ट होगा जैसे ही कॉपर और सल्फेट अलग होगा इस सोलूशन में कॉपर के पास पॉजिटिव चार्ज है वो आके निगेटिव टर्मिनल वाले कॉपर प्लेट के साथ चिपक जाएगा इससे क्या होगा धीरे धीरे इस लिक्विड का जो कॉपर है वो ट्रांसफर होके इस प्लेट पर चला जाएगा जिससे हमें लगेगी कि इस प्लेट पर किसी चीज की कोटिंग हो गई है परत पड़ गई है ठीक है अब देखो अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट कलर इज द कोटिंग अब ये जो कोटिंग हुई है इस कॉपर सल्फेट सोलूशन से जो कॉपर ट्रांसफर होकर इस प्लेट में गया है ये जो कोटिंग हुई है ये कोटिंग कौन से कलर की हुई होगी तो भाई जिस कलर का हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसी कलर की ये कोटिंग हुई होगी जनरली हमारा रेडिस ब्राउन कलर का हो जाता है अगर कॉपर है तो कॉपर हल्का ब्राउन रंग का आप कह सकते हो या कभी कभी पिंक भी हो जाता है मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा केमिकल हमने यूज किया है चलो नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ विच दिस इलेक्ट्रॉड इज कनेक्टेड अब देखो अब इन दोनों प्लेट्स में से जिस प्लेट पर कोटिंग हुई है जैसे निगेटिव प्लेट पर कोटिंग हुई है अब आपको यही पता लगाना था कि कौन से टर्मिनल के साथ जुड़ा है ये तो हमेशा निगेटिव टर्मिनल वाले प्लेट के पास ही कोटिंग होगी पॉजिटिव वाले पे कोटिंग नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि कॉपर के पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव वाले के साथ चिपकेगा ना कि पॉजिटिव वाले के साथ

हमने गोल्ड का प्लेटिंग कर दिया तो बाहर से लगेगा कि सोना है अंदर से क्या है लोहा है ठीक है तो यही तो होता है ना नकली ऑर्नामेंट्स चलो तो अब हम आगे बढ़ेंगे यहां पर पहली कुछ पूछ रही है। activity, पहली तो इस प्लेट को जो निगेटिव टर्मिनल वाला प्लेट है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव टर्मिनल वाले प्लेट को निगेटिव कनेक्ट कर दिया इंटरचेंज कर दिया अब तुम्हें क्या लगता है कि पहली ने इस बार क्या देखा होगा पहली ने सेम वही देखा होगा कि जो निगेटिव टर्मिनल पे कॉपर प्लेट लगा है उस पर प्लेटिंग हो जा रही है और जो प्लस और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है आई थिंक समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं ट्रिक करेंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोलूशन कॉपर सल्फेट इन टू कॉपर एंड सल्फेट इलेक्ट्रिक करेंट जब हम कॉपर सल्फेट सोलूशन से पास करवाते हैं तो कॉपर सल्फेट टूट जाता है कॉपर अलग हो जाता है सल्फेट अलग हो जाता है जिसकी वजह से कॉपर के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है अब जब कॉपर के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको चाहिए कोई निगेटिव टर्मिनल वाला प्लेट ठीक है तो ये क्या करेगा कॉपर जितना भी कॉपर है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जो भी कॉपर प्लेट एड होगा उस कॉपर प्लेट में जाके चिपक जाएगा इतना हमने पढ़ा है अब यहां पर पूछ आपसे यह रहा है बट वॉट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोलूशन दैट मीन्स की जो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसका सारा कॉपर जाके निगेटिव टर्मिनल वाले प्लेट के साथ चिपक गया जिसको हम कहते हैं कि इसने प्लेटिंग कर दी ठीक है कॉपर की प्लेटिंग हो गई इस पर लेकिन इस सल्यूशन से जो कॉपर इस प्लेट पर चला गया है उसका क्या होगा क्या अब इस सोल्यूशन में कोई भी कॉपर नहीं बचेगा नहीं गलत चलो आगे पढ़ते हैं देखते हैं क्या है कि फ्रॉम द अदर अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजोल्व इन द सोलूशन समझ में आया सीधा सीधा कहा जा रहा है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो कॉपर प्लेट एड होगा उसका कॉपर पूरा सल्यूशन में जाके मिल जाएगा डिजोल्व हो जाएगा और जो सोल्यूशन वाला कॉपर है वो निगेटिव टर्मिनल पे जाके चिपक जाएगा इनडायरेक्टली इसके कहने का मतलब क्या है इनडायरेक्टली इसके कहने का मतलब ये है दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर इलेक्ट्रोड इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉड है वो इस सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जा रहा है घुल जा रहा है और ये जो इस सल्यूशन में कॉपर है वो यहां पर आकर निगेटिव टर्मिनल के साथ चिपक जा रहा है दैट मीन्स कि लिक्विड में उतना ही कॉपर बचा हुआ है बस पॉजिटिव टर्मिनल का जो कॉपर है वो निगेटिव टर्मिनल में आके चिपक गया है या प्लेटिंग कर दी है तो ये पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट अब देखो बूझो ने जब इस एक्टिविटी को किया एक्टिविटी नंबर 14.7 को तो बूझो के पास एक प्रॉब्लम ये थी कि हमने जब किया था इस एक्टिविटी को तो हमारे पास दो कॉपर प्लेट्स था और हमने आसानी से एक कॉपर प्लेट को पॉजिटिव के साथ ऐड किया और एक कॉपर प्लेट को निगेटिव टर्मिनल के साथ ऐड किया और एक्टिविटी कर ली लेकिन बूझो के साथ दिक्कत यह है कि बूझो के पास केवल एक ही कॉपर प्लेट है और इसी के लिए बूझो ने क्या किया एक्टिविटी फोर्टीन को एक टर्मिनल पर पॉजिटिव टर्मिनल पर बुझो ने कॉपर प्लेट लगा दिया जो उसके पास था और दूसरे टर्मिनल पर निगेटिव वाले टर्मिनल पर इसने एक कार्बन रॉड का यूज किया कार्बन रॉड को इसने टर्मिनल के साथ ऐड किया और फिर इस एक्टिविटी को किया इसने देखा कि इस बार भी जो पॉजिटिव टर्मिनल वाले प्लेट का जो कॉपर है वो ट्रांसफर होके कार्बन रॉड पे आ गया है और इसलिए कार्बन रॉड पर कॉपर की प्लेटिंग हो गई है इससे हमें क्या पता चला इससे हमें यह पता चला कि मेटल कोई भी हो हम जिस भी मेटल की प्लेटिंग उस पर कराना चाहते हैं हम करा सकते हैं हम लोहे के ऊपर सोने की प्लेटिंग करा सकते हैं हम लोहे के ऊपर चांदी की प्लेटिंग करा सकते हैं जैसे यहां पर कार्बन रॉड के ऊपर किसकी प्लेटिंग कराई गई है ये कॉपर की प्लेटिंग कराई गई है ठीक है चलो आगे चलते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ियल बाई मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक्ट डिफिनिशन यहां पर दी गई है।, मैंने आपको बताया है कि अगर किसी एक मेटल पर हम किसी दूसरा जो मेटल हमें चाहिए उस मेटल के लेयर को हम डिपॉजिट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं फिर से समझो द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अफ एनी डिजाइर्ड मटेरियल जो भी मेटल हमें चाहिए जैसे हमें सोना चाहिए तो उस सोने का लेयर सोने की प्लेटिंग हम किसी दूसरे मटेरियल पर करा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना वो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होता ही होता है यार आजकल की जितनी भी चीजें आती है जितनी भी हमारे घर की डेकोरेशन के सामान आ गए और चाहे जो लेटेस्ट फैशन के हमारे यहाँ वॉशरूम्स में टैप लगते हैं शॉवर्स लगते हैं ना उन सब पर प्लेटिंग हुई रहती है ताकि ये साइनी दिखे ताकि ये चमकदार दिखे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विथ अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल आज इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारी डे टू डे लाइफ में काफी यूजफुल बन गया है कैसे बन गया है आज इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज करके ही इंडस्ट्रीज में किसी एक मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट की कोटिंग की जाती है जैसे आज जो नकली गहने बनते हैं मार्केट में वो कैसे बनते हैं उन पर क्या होता है केवल गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है नीचे कोई और मेटल रहता है चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो आयरन हो और उनके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है ताकि गोल्ड जैसा लुक और शाइन दे सके ठीक है चलो यहाँ पर आगे भी कुछ बताया गया है कि द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिटेड के ऊपर अगर हमने गोल्ड की प्लेटिंग करा दी तो हमें यहाँ पर पता है ना कि हमें गहने बनवाने हैं इसलिए हमने सिल्वर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करवा ली अब अगर कोई और चीज बनाना हुआ फॉर एग्जाम्पल आपने कार के पेंट्स देखे होंगे जो हमारे कार होते हैं कार का जो पेंट होता है वो काफी चमकदार होता है उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की गई है ठीक है इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चलो यहां पर दिया गया है एग्जांपल कि क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स बाथ टैप्स किचन गैस बर्नर्स बाइसिकल हैंडबार्स व्हील रिम्स एंड मेनी मोड्स हमने देखा है कि क्रोमियम क्रोमियम बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है और इसी की वजह से क्रोमियम का यूज इलेक्ट्रो प्लेटिंग करके कार के अलग अलग जो पार्ट्स आते हैं चाहे वो बॉडी का पार्ट हो गया चाहे वो इंटरनल पार्ट हो गया जो भी की, की गई है ठीक है बाथ टैप्स आज जो हमारे वॉशरूम्स में नए नए डिजाइन फैशन के चमकदार टैप्स आते हैं वो भी टैप्स पर क्रोमियम की प्लेटिंग की गई है किचन गैस बर्नर्स आपने अगर कभी गैस स्टोव देखा होगा तो जो स्टोव का बर्नर होता है जिसमें से आग निकलती है वो भी थोड़ा चमकदार होता है क्यों क्योंकि उन पर भी क्रोमियम की प्लेटिंग की गई है हमारा जो बाइसाइकिल का हैंडल है उसके बाद बाइसाइकिल के पहियों में जो रिम लगी होती है उन सब पर क्रोमियम की प्लेटिंग की गई होती है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आज हमारी मार्केट में जिन पर क्रोमियम की प्लेटिंग करके कर बेचा जा रहा है और वो बहुत ही ज्यादा मार्केट में चल रहे हैं क्योंकि वो चमकदार है दिखने में ठीक है क्रोमियम अ जो क्रोमियम हमारा मेटल है वो बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है और जल्दी क्रोड नहीं होता उस पर जंग नहीं लगती है इट रेजिस्ट स्क्रैचेस और एक और फायदा है क्रोमियम का कि अगर किसी भी चीज के ऊपर हम क्रोमियम की प्लेटिंग कर देना तो उस पर स्क्रैच जल्दी नहीं लगेंगे हाउ क्रोमियम इज़ एक्सपेंसिव एंड इट नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम अब देखो यहां पर कहा जा रहा है कि क्रोमियम की प्लेटिंग करने की क्यों जरूरत पड़ती है क्योंकि क्रोमियम आज के डेट में काफी महंगा है और अगर पूरे की पूरी ऑब्जेक्ट ही हम क्रोमियम से बनाएंगे तो वो पूरा ऑब्जेक्ट काफी महंगा हो जाएगा जैसे हमारे जो वॉशरूम के टैप्स होते हैं वो आज के जमाने में कितने के मिल जाएंगे आपको डेढ़ सौ के दो सौ के तीन सौ के या ज्यादा से ज्यादा पांच सौ के ठीक है अब अगर इस पर केवल क्रोमियम की प्लेटिंग नहीं बल्कि पूरा टैप ही अगर क्रोमियम का होता तो यही 500 का टैप आपको 5000 का भी मिल सकता था ठीक है वही लिखा गया है कि क्रोमियम इज एक्सपेंसिव क्रोमियम काफी महंगा है और ये हमारे लिए ऐसे कह सकते हो कि फ्रेंडली बजट फ्रेंडली नहीं होगा कि अगर हम पूरी चीज क्रोमियम की बना दें तो उस चीज को खरीदना हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा तो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल एंड वनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपोजिटेड अब इसलिए पूरे ऑब्जेक्ट को क्रोमियम से बनाना पॉसिबल नहीं है इसी के लिए हम पूरे ऑब्जेक्ट को किसी सस्ते मेटल किसी चीपर मेटल से बना देते हैं और उस पर केवल क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं ताकि वो क्रोमियम जैसा चमकदार दिखे ताकि वो क्रोमियम जितना शाइनी दिखे ठीक है ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स अब जो नकली गहने बनाने वाले मार्केट में होते हैं वो क्या करते हैं वो किसी सस्ते मेटल के ऊपर सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव अब ये जो गहने नए नए गहने बन रहे हैं जिनके अंदर कोई और मेटल है केवल ऊपर से सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग कर दी गई है ये काफी सस्ते होते हैं काफी अफोर्डेबल होते हैं और इसी के लिए ये हमारे बड़े काम आते हैं ठीक है ठीके? टिन कैंस आपने टिन के डब्बों के बारे में सुना होगा आपके घर में होता ही है टिन के डब्बे किस लिए यूज होते हैं फॉर स्टोरिंग फूड अब जो टिन कैंस होते हैं ना ये भी इलेक्ट्रो प्लेटिंग की मदद से ही बनते हैं इन पर टिन की प्लेटिंग की गई रहती है अंदर पूरा जो बॉडी है टिन के डब्बे का वो आयरन का बना है लेकिन उसके ऊपर केवल टिन की प्लेटिंग टिन, टिन खराब नहीं करता है दस डज नॉट कम इन टू कॉन्टैक्ट विथ आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉल्ट जब हम टिन के डब्बों में टिन की प्लेटिंग कर देंगे ना तो खाना लोहे के संपर्क में नहीं आएगा और जब लोहे के संपर्क में नहीं आएगा तो खाना खराब नहीं होगा जैसे ही कोई फूड आयरन के कांटेक्ट में आता है तो वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर बाद खराब हो जाता है आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ हाउ एवर आयरन टेंस टू क्रोड एंड रस्ट आयरन लोहा का यूज कहां होता है आज बड़ी बड़ी ब्रिजेस जो पुल होता है उसे बनाने में और गाड़ियों के अलग अलग पार्ट्स को बनाने में भी आयरन का यूज होता है क्योंकि आयरन काफी ताकतवर काफी मजबूत मेटल माना जाता है ठीक है कि जो लोहा होता है वो जल्दी खराब हो जाता है समय के साथ जैसे ही उस पर हवा पानी लगता है वो खराब हो जाता है और उस पर जंग लग जाती है और इसी के लिए आयरन को रस्ट से बचाने के लिए उसे खराब होने से बचाने के लिए आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि इसे खराब होने से बचाया जा सके और इस पर जंग भी ना लगे यहां पर देखो इस बॉक्स में कुछ कहा गया है कि इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ कंडक्टिंग सोलूशन इज अ मेजर कंसर्न जो हमने अभी अभी, अभी पिछली एक्टिविटी की थी उसमें हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का यूज किया था ना कॉपर की प्लेटिंग करने के लिए सेम ऐसे ही जैसे इंडस्ट्रीज में किसी सोल्यूशन का यूज करते हैं प्लेटिंग करने के लिए तो वो जो सल्यूशन होता है वो बाद में तो बेकार हो जाता है और उस सोल्यूशन को डिस्पोज कहां करें उस सोल्यूशन को फेके कहां पर ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज इंडस्ट्रीज के लिए और इसी के लिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग होता है ये बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है इसी के लिए गवर्नमेंट अपना एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई हुई है कि वो कहां पर इन सोलूशन को डिस्पोज करें कैसे डिस्पोज करे गॉट इट तो आई होप कि आपको ये वीडियो पढ़ने में थोड़ा सही लगा होगा यार और वीडियो पढ़ने में मजा भी आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं बोलना मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक तो के लिए